অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা শুরু হয় 28 মার্চ থেকে, যা চলবে আগামী 4 এপ্রিল পর্যন্ত। 3 এপ্রিল পর্যন্ত পূর্ব ত্রিপুরা কেন্দ্রের সামগ্রিক পরিস্থিতি, মোট প্রার্থীর মনোনয়ন বিষয় সহ নির্বাচন কমিশনের নানান স্তরের পর্যবেক্ষক আগমন, কেন্দ্রীয় বাহিনীর আগমন নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন পূর্ব ত্রিপুরা কেন্দ্রের নির্বাচন আধিকারিক সাজু ওয়াহিদ। 3 এপ্রিল জেলা কনফারেন্স হলে সাংবাদিকদের নিকট তিনি নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়গুলি তুলে ধরেন। ব্যুরো রিপোর্ট, এজিটি লাইভ 24x7। বিজেপি, সিপিএম, আমরা বাঙালি, INPT, इसके साथ 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अभी तक हमारे पास नॉमिनेशन पेपर जमा किया है। कल हमारा लास्ट डेट है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग नॉमिनेशन करना चाहते हैं वो कल 3 बजे से पहले आपका नॉमिनेशन जमा कीजिएगा। 5 तारीख को हमारा स्क्रूटनी होगा, हमारा RO ऑफिस में होंगे, 11 बजे से होगा। वो सारे कैंडिडेट जो भी हमारा नॉमिनेशन पेपर सबमिट किया है सबको हमने इन्फॉर्मेशन दिया है। और 8 तारीख को लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉवल होगा। तो लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉवल के दिन ही वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट का लिस्ट फाइनलाइजेशन होंगे और इसका PD का प्रिंटिंग 8 तारीख से शुरू होगा। तो इसलिए सारे पॉलिटिकल पार्टी को हमने इन्फॉर्म किया है और प्रिंटिंग सेंट्रली हमारा अगरतला में होगा। सारा पॉलिटिकल पार्टी को रहने के लिए भी हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया। और 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी, ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 जनरल ऑब्जर्वर, 2 पुलिस ऑब्जर्वर और 1 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है। उसमें से एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, जनरल ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर आ चुका है हमारा इधर और 1 जनरल ऑब्जर्वर आज शाम को आ जाएंगे। आज 3 तारीख है, आज शाम को वो ऑब्जर्वर भी आ जाएगा। और इसमें नॉर्थ उनाकोटी, साउथ और गोमती कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 ऑब्जर्वर, ढलाई और खोवाई के लिए 1 ऑब्जर्वर, जनरल और पुलिस ये दोनों डिवाइडेड है। अभी तक सारा ऑब्जर्वर आ गया, 1 ऑब्जर्वर आज शाम को आएगा।